करते हैं खबरों की शुरुआत। नागदा में लगने वाले मेले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। जी हां, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और सभी बीजेपी कार्यकर्ता मेले पर चल रही राजनीति कार्य प्रणाली से नाराज हुए। पूर्व अध्यक्ष का कहना था कि नागदा नगर पालिका भंग हुए 1.5 महीना हो गया, अब पूरी नगर पालिका की बागडोर अब SDM RP वर्मा और नागदा नगर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के हाथों में है। परंतु हर गतिविधियों पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम न्यायालय तक सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो भी उतरेंगे। बड़ी स्पष्ट थी कि नगर पालिका को कुछ आमदनी हो सर, जो दरें हमने बढ़ाई थी सर, वो इस दृष्टि से बढ़ाई थी कि हम ज़्यादा दरें रखें, सामने वाले जो आएंगे उसको निगोशिएशन करके उनका भी हित हो जाए और नगर पालिका को 2 पैसे की आमदनी सर उसी तरह रखी। हमने किसी भी बात को जीत के रूप में नहीं लिया कि हमने जो 5 रुपये वर्ग फीट से बोली लगना है उसी को करेंगे। वो हमने एक तरह से विज्ञप्ति जारी की कि हम इसकी प्रतिक्रिया देखें। अब मेरे सामने भी अवैध हुआ है, विधायक जी के पास भी है। हमने कल की बैठक में यह निर्णय लिया कि एक बार व्यापारियों से बात की जाए जी। शुरुआत यह की जाए कि 2.5 रुपये सर हमारा वो रखा जाए, 2.5 रुपये स्क्वायर फीट उनका रखा जाए जो मनियारी वाले, और जो नगर पालिका शेड लगा के देती है उनको अपन लगवा 4,000 बनते हैं, 4,500 बन रहे थे जो हमारी रेट थी। हमने सोचा कि उसको अपन लगभग 1,500 तक उसको कर दें, क्योंकि 1,000 तक पिछले साल भी हुआ था, तो फिर वो निगोशिएशन में 1,200-1,250 के आसपास हुआ है। हम उसमें किसी तरह की जीत इसलिए नहीं रखते कि व्यापारी भी हमारे और मेला भी हमारा, नगर पालिका भी हमारी। आपके सुझावों का स्वागत है, आप मेरे से कभी बात कर सकते हैं। मेरा तो सर एक मिनट, सुबोध स्वामी जी वाले से बात बताई। विधायक जी ने मेरे को स्पेशली बोला था कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ इसलिए ये शामिल होंगे, तो उस दृष्टि से वो बैठक में शामिल हुए और विधायक जी के साथ भी वो शामिल हुए। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने कोई हस्तक्षेप वाली बात की सर। कल चूँकि मेरी भी महत्वपूर्ण पेशी थी और CMO की सर, कल कलेक्टर साहब की पेशी थी, उनको किसी नोट। नगरवासियों को महाशिवरात्रि महापर्व की मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, नागदा शहर की ओर से अग्रिम बधाई और शुभकामना देता हूँ। जैसा कि आप सबको विगत कई वर्षों से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर चंबलकर तट पर मुक्तेश्वर बाबा के प्रांगण में नगर पालिका परिषद के द्वारा विशाल महाशिवरात्रि पर्व पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। आज से 1.5-2 महीने पहले ही परिषद का कार्यकाल समाप्त हुआ। उसके बाद प्रशासक के रूप में माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय नागदा जो अध्यक्ष के कर्तव्यों का और अध्यक्ष के अधिकारों के अनुसार नगर पालिका की समस्त कार्यवाही के लिए शासन के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। मैंने माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय से निवेदन करा है कि आज अध्यक्ष के रूप में इस नागदा नगर की बागडोर आपके हाथों में है। आप अनुभागीय अधिकारी के रूप में भी नागदा में आप काबिज हैं। मेले में किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का राजनीतिक दल का वरिष्ठ नेता हो। नगर पालिका की जितनी भी बैठकें हैं उन बैठकों के अंतर किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति का उसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए। माननीय विधायक जी महत्वपूर्ण बैठकों में बैठे निर्णय करें, वो जनता के सेवक है और जनता के द्वारा उनको चुने गए हैं और उनको अधिकार है। लेकिन विधायक जी और उनके साथ में प्रतिनिधि मंडल के रूप में जिले के कार्यकारी अध्यक्ष बैठ के उस मेले की पूरी कार्य प्रणाली को बाधित करने का काम कर रहे हैं, दुकानों के रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिससे कि झूले चक्री वाले से लेकर आम व्यक्ति जिनकी उस मेले से पूरी जीविका जुड़ी है उनका जीवन यापन प्रभावित हो रहा है। और इस विशाल मेले को जो भव्य मेला जो नगर पालिका नागदा भाजपा की परिषद 15 वर्षों से करती आई है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने का काम कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया जा रहा है। मैं शुद्ध रूप से इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि 5 वर्ष हमने लगातार 5 वर्ष कांग्रेस के पार्षदों के द्वारा इस मेले का विरोध किया गया और हमने बहुमत के आधार पर इस मेले को करने का काम किया। इसलिए कांग्रेस के लोग तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि ये मेला भव्य और सांस्कृतिक मेला अच्छी तरह से सम्पन्न हो, बाबा मुक्तेश्वर महादेव का समस्त नगरवासियों को आशीर्वाद मिले। इस मेले को किसी ना किसी कारण से तोड़ मरोड़ कर इस मेले को बाधित करने का काम कर रहे हैं, मेले को रोकने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने अनुभागीय अधिकारी महोदय को कहा है कि बिना राजनीतिक इसमें हस्तक्षेप के आप प्रशासक के रूप में मेले की समस्त कार्यवाही को देखिए और मेला निर्विघ्न
सदा कुशल संपन्न हो ऐसी मुक्तेश्वर महादेव बाबा से प्रार्थना की और अनुभागीय अधिकारी महोदय से भी निवेदन करा। और जब तक अगली परिषद चुनकर नहीं आती, जब तक आप प्रशासक के रूप में मौजूद हैं, नगर पालिका की विभिन्न महत्वपूर्ण बैठकों में माननीय विधायक जी आए, लेकिन किसी भी कीमत पर किसी भी राजनीतिक दल का जो कार्यकारी अध्यक्ष है आदरणीय सुबोध जी स्वामी, वो किसी भी हालत में उस बैठक में यदि अगर बैठेंगे तो धरने आंदोलन से लेकर जो जो भी वो न्यायालय की जगह शरण भी लेना पड़ी तो हम शरण लेंगे। जो नगर पालिका के महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली बैठकें हैं जिससे कार्य प्रभावित होता है, उन बैठकों में किसी भी हालत में किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति हो वो उस बैठक में नहीं बैठे, इतना हमने उनसे निवेदन किया। और यदि अगर इस तरह की फिर से यदि अगर कोई बात होती है तो हम हमारी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। समस्त नगरवासियों को मेरी ओर से